ओके शॉर्ट हैंड सीखने वालों को आज मैं शन हुक पढ़ाने जा रहा हूं। ये शन और हुक है, इसका मतलब है शन की आवाज आने वाला हुक लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, इसमें एन तो है, जैसे एन हुक लगता था ऐसे ही शन शय की आवाज आकर के शन हुक लगेगा। अब वो कैसे लगेगा इसका तरीका इस बोर्ड में आप देख सकते हैं। ये शन हुक स्पेलिंग के लिए आपसे टी आई ओ एन एस आई ओ एन टी आई ए एन एस आई ए एन ये कोई भी आवाज दे देगा। इस बात पर आई हैव बीन रीइटरेटिंग यू टाइम एंड अगेन के हम साउंड रिकॉर्डर हैं, हम स्पेलिंग लिखते समय ये नहीं देखते इस वर्ड की क्या स्पेलिंग होगी, हमें आवाज सन की आएगी, चाहे उसकी स्पेलिंग टी आई ओ एन है एस आई ओ एन है या एस आई ए एन है, वो ट्रांसक्राइब करते समय कंप्यूटर पर देखी जाएगी। लिखते समय तो हमें सन की आवाज आई, हमने सन हुक लगा दिया। तब कैसे लगाएंगे, ये सन हुक लगेगा तो एन हुक की तरह ही, जैसे एन हुक इधर ये टी में एन हुक इधर लगाया है, इसको ब्रॉड कर दिया तो सन हुक लग जाएगा, लेकिन दोनों साइड ओपन है तो सन हुक इधर भी लग जाएगा और सन हुक इधर भी लग जाएगा। और कर्व के अंदर एन हुक लगता था, ये एन हुक लगता है तो वहां हम एक ब्रॉड हुक लगा देंगे, फाइनल में वो शन हुक होगा। आप कहेंगे ब्रॉड हुक के अंदर तो पहले एल को ले लिया था, हाँ एल को लिया था हमने, जैसे ये फर है हमने ब्रॉड शुरू के अंदर लिया था तो ये एल के लिया था, लेकिन हुक के अंदर जब हम आखिरी में एन हुक लेते हैं एन का लेते हैं, अगर हमने ब्रॉड कर दिया तो ये हमारा शन हुक हो गया, एस एच यू एन सन या टी आई ओ एन सन एस आई ओ एन सन। तो हुक के अंदर हमने ब्रॉड करके लिया है और स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर दोनों साइड के अंदर एन हुक को ब्रॉड कर करके लिया। अब इसको कैसे किधर लगाएंगे, अब हमने इसमें थ्योरी ये है कि इसको लगाएंगे कैसे, ये तो मैंने बता दिया, किधर लगाएंगे किस साइड में लगाएंगे ये है इसकी थ्योरी। अब देखिए अगेंस्ट फॉरवर्ड, पहले तो सीधा स्ट्रोक है, एक सीधा स्ट्रोक है पी और उसमें सन हुक इधर लगा दिया, जबकि पी के अंदर सन हुक इधर भी लगाया है मैंने, वो अगेंस्ट वॉवल है, पहले शुरू के अंदर जो वॉवल बोला जाएगा, जैसे आ पहले बोल गया फिर बोला गया फिर पी बोला गया, तो इसका मतलब है आ का वॉवल हमने लेफ्ट हैंड साइड में इधर लगाया है तो हमारा सन हुक इधर जाएगा ऑप्शन। अब पैशन के अंदर ए का हुक ए का वावल जो है पी में दाई तरफ आ रहा है, तो शन का हुक इस वावल के शुरू में लगने वाले वावल के विपरीत जाएगा। जैसे इरेक्शन, ये के शन हुक नीचे आया है क्योंकि के नीचे ए का वावल नहीं है पहले है, जैसे ऑक्यूपेशन पी के अंदर ए का वावल है पे तो शन हुक इधर आया, ये ध्यान रखना ये डिप्थोंग यू लगा है, ये के अंदर बोला जाए आई क्यू के आगे बोला गया है, लेकिन पी के अंदर तो ए का वावल आया है तो ए का वावल इधर आया है तो सन हुक इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड को लगा, अगर वावल इधर आ जाता तो सन हुक उधर चला जाता। अब जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर के अंदर ए का वावल नीचे आया है तो हमने सन हुक ऊपर ले लिया, अगर के लास्ट में वावल ए नीचे नहीं आता ऊपर आ जाता एक्शन होता तो सन हुक को ये नीचे घुमा लेते, चाहे जोड़ में हो चाहे अकेला स्ट्रोक हो, ऑप्शन और पैशन तो अकेला स्ट्रोक पी है, लेकिन ये के और ये रे जो है ना ये जोड़ में सबसे लास्ट में आए हैं, सो चाहे पहले आए चाहे लास्ट में आए तो वावल को पहले देखना है कि वावल जिस पर हम स्ट्रोक पर लगा रहे हैं उसके वावल
स्ट्रोक के बाद में है तो उसके विपरीत आएगा। कहने का मतलब है अगर ये वावल इधर आता है तो सनुक इधर आ जाएगा और ए का वावल इधर आया है तो एक्सप्लोरेशन रे रे के बाद में ए आ रहा है तो सनुक इधर आएगा। तो सीधे स्ट्रोक के अंदर तो आपने वावल के विपरीत लगाना है, अगेंस्ट का मतलब विपरीत, वावल इधर आया तो सनुक इधर लगाया, वावल इधर आया है तो सनुक इधर लगाया। जोड़ में भी एक से ज्यादा स्ट्रोक होंगे तो भी वही वावल की कंडीशन रहेगी कि लास्ट वाले में वावल किधर लग रहा है उसके विपरीत जाएंगे, ठीक है। दूसरा है नियम है अगेंस्ट इनिशियल अटैचमेंट। इनिशियल अटैचमेंट क्या होता है? इनिशियल का मतलब है शुरू शुरू में, हमने शुरू में सर्कल जोड़ दिया, टर हुक लगा दिया, एल हुक लगा दिया, ये इनिशियल अटैचमेंट है, शुरू शुरू में जोड़ है। तो हमारा जो सन हुक जाएगा वो शुरू के अंदर जो भी अटैचमेंट है उसके विपरीत जाएगा। टर इधर है तो सन हुक इधर आ गया, आर हुक इधर है तो सन हुक इधर आ गया। देखिए ये सर्कल इधर है तो सन हुक इधर आ गया, इधर आर हुक इधर है तो सन हुक उधर चला गया। तो ये शुरू के अंदर चाहे सर्कल आए चाहे हुक आए उसके विपरीत जाएगा। अगर वावल है तो उसके विपरीत जाएगा, लेकिन अगर कुछ अटैचमेंट हो गई है तो वावल की कंडीशन नहीं लगेगी इसके अंदर। शुरू के अंदर जो सर्कल लगा है हुक लगा है उसकी कंडीशन लगेगी। जैसे स्टेशन, सर्कल टी और सन हुक, एक वावल सर्कल इधर आया है तो सन हुक इधर आया है। ऑपरेशन देखिए वावल पहले आ गया लेकिन वावल की कंडीशन नहीं लग रही, यहां पे के बाद में भी तो वावल ऑपरेशन एक का वावल है तो वावल को लेते सन हुक इधर लगता नहीं। वावल की कंडीशन शुरू में अटैचमेंट के अंदर नहीं लगती, हमने शुरू के अंदर जो आर हुक या सर्कल है उसके विपरीत जाना है। जैसे पर का इधर है तो सन हुक इधर चला गया। ऑपरेशन में देखिए ये ऑपरेशन है ये आप प्रे, यूं तो अगल पी होता तो एक इधर आ गया तो सन हुक इधर जाना, लेकिन हमारे शुरू में अटैचमेंट आर का हुक है, ये आर का हुक लगा हुआ है तो हमने हुक के इधर हुक है तो इधर जाना है, अगर इधर हुक आ जाएगा तो इधर जाना है, तो सन हुक हुक के विपरीत जाएगा। अगर हुक नहीं है कि या सर्कल शुरू में नहीं जुड़ा है तो वावल के विपरीत जाएगा, अगर सर्कल या शुरू में हुक जुड़ गया है तो विपरीत उसके विपरीत जाएगा। जैसे स्टेशन, स्टेशन ऑपरेशन साइटेशन, सिक्रेशन सी एक वावली आ गया, क्रे एक वावली आ गया सन, लेकिन सिक्रेशन से है सन में भी एक लास्ट में से और बोला जा रहा है, तो वो जोड़ने का तरीका ये है। जैसे ये सकर है, ये सीक्रेशन था, सीक्रेशन, लेकिन सीक्रेशन से बोला जा रहा है तो सन से जो आ रहा है तो हमने सन हुक के अंदर ही एक सर्कल और लगा दिया, ये प्लूरल हो गया सीक्रेशंस। तो अगर सन हुक के बाद में भी ये सह की आवाज आती है तो हम सन हुक के अंदर लगा देंगे। सेक्शन, ये सर्कल इधर आया है तो सन हुक इधर आ गया, ठीक है, वावल के विपरीत और शुरू में अटैचमेंट के विपरीत, ठीक है। आगे मैं आगे चलता हूं कि करव में कैसे लगेगा। करव के अंदर एफ ये है, फन तो ये था लेकिन फैन है ये, लेकिन अगर आपने इसको चौड़ा हुक बना दिया है, यो फैन नहीं, ये तो फैशन बन गया। क्या बन गया? फैशन। ये पहले फैन था, एन हुक ब्रॉड नहीं है, नैरो है, और हमने अगर उसको चौड़ा कर दिया तो सन माना जाएगा और ये फन फैन का फैशन बन गया। जैसे ये मोशन हो गया और इसको ने को एक अवाव लगा दिया तो नेशन हो गया, फैशन नेशन मोशन। तो हमने लास्ट के अंदर अन हुक को चौड़ा कर दिया तो एन नहीं रह गया, वो शन हो गया।
जैसे फैशन, अगर प्लूरल हो जाता है तो फैशन के अंदर फैशंस, तो फिर हम उसके अंदर एक सर्कल सन हो के अंदर ही लगा देंगे, फैशंस, नेशन, मिशन। हाँ, अगर ये देखिए एफ एंड एल, इन एफ के एंड एल के, इसके विपरीत लगता है। कहने का मतलब है एफ के आगे अगर के आ जाता है तो हमने शनुक इधर लगाना है। आप पूछेंगे क्यों, कि फै के अंदर के ऐसे जा रहा है, शनुक लगा दिया तो ये ना तो के रहा ना एफ रहा, कुछ नहीं रहा। इसका मतलब है कह की सिधाई का मालूम नहीं है, स्ट्रेटनेस ऑफ के इज नॉट अंडरस्टूड, इसलिए हमने के की सिधाई को रखने के लिए फैक्शन को हमने ऐसे बनाया ताकि एक के के विपरीत जाएगा सनुक तो के सीधा दिखाई देगा, ये के पढ़ा जाएगा। अगर हमने इधर ही मोड़ दिया तो यू की तरह बन गया, पता नहीं क्या बन गया, वो किसी की समझ में नहीं आएगा, आपकी खुद की समझ में नहीं आएगा। के को सीधा रखने के लिए एफ के बाद में के आता है तो सनुक एफ के विपरीत लगाइए, एल के बाद में के आता है तो ये एल है तो उसके विपरीत लगाइए। जैसे लोकेशन, लोकेशन सेलेक्शन, लोकेशन लो, ये लो है, ये के है, ये सन है, तो ये लोकेशन। सेलेक्शन, ये सेलेक्शन है, तो ये हम सिधाई रहेगी। अगर आपने इधर ही मोड़ दिया होता, घुमा दिया होता कर्म की तरफ, तो के की स्ट्रेटनेस या सिधाई नहीं रहती। के को सीधा देखने के लिए या के की सुविधा के लिए कि हमें के स्पष्ट नजर आए, इसलिए एफ और एल के विपरीत जाएंगे। एफ इधर है तो सनु के नीचे आएगा, एल के विपरीत जाएगा। एल में के जुड़ो या एफ में के जुड़ो तो सनु एफ और के विपरीत जाएगा। दैट्स ऑल। आगे है, ये तो सनु था, अब एक और आ गया सनु के बाद में सैसन। सैसन का मतलब है सन, तो ये है हिंदी में, देखिए ये सन है, सन खाली तो ऊपर तक पढ़ा चुका हूं मैं, अब आ गया सह की आवाज पहले आएगी और फिर सन की आवाज आएगी, सैसन। अभी तक तो मैंने सन पढ़ाया था, अब पढ़ाऊंगा सैसन और सी जीसन। देखिए सैसन उक जो है ये एक्सेसन है, एक्सेसन ये एक है, ये सह हो गया। अब सह लगने के बाद में ब्रॉड उक तो लगाने का कोई पर्पज ही नहीं, मतलब ही नहीं होता, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। फिर क्या करेंगे, सह लगने के बाद में हम जहां से सह घूम कर आए उसी प्रकार बाहर आ जाएंगे, ये सनुक लग गया एक। फिर देखिए हमने के को लिखा, सर्कल लगाया, यहां सर्कल जहां मिल रहा है उसको बाहर आकर के फिर ऐसे ये गोड़ाई और ली, ये हमने ऐसे एक्सेसन बना दिया, ये हमारा एक्सेसन बन गया। जहां सह था, सह अगर नीचे मिलता है तो हम उसको नीचे से फिर बाहर जाएंगे और ऐसे बनाएंगे, नीचे मिलता है तो ऐसे जाएंगे फिर बनाएंगे, चाहे नीचे सर्कल मिलो सीधे स्ट्रोक में के, चाहे ऊपर मिलो, हम उसको जहां सर्कल मिल रहा है उसे वी शैल गो एक्सटेंड टू इट एंड एड ए अनदर हुक। इसका मतलब है सह के बाद में एक हुक और जोड़ दिया, लेकिन जोड़ने का तरीका यह है जैसे सह को लिखते आए लास्ट के अंदर बाहर निकल करके एक हुक और लगा दिए, सैसन हो गया, ये सन नहीं रहा, ये सह के बाद में सन है। जैसे आप देखिए पोजीशन, पोसेशन, पोसेशन तो क्या है, पो ये आपका ओ का वावल है, पी पर लाइन पर टिकाया पोसेशन, ये पो था, ये पोस है, ये पो सह के बाद में सन है तो ये पोसेशन। आप कहेंगे सह के अंदर एक पहलू वावल आता है वो तो लगा ही नहीं, नहीं इस हुक का नाम ही सेशन हुक है, आपने उसको सेशन या जीसन ही पढ़ना है। अगर आपने पोसेशन लिखा है तो ऐसे लिखिए पोसेशन हो गया, लेकिन अगर पोजीशन है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कहीं सह बोला जाता है, कहीं जय बोला जाता है, तो जहां जय बोला जाएगा तो जीसन बनेगा, जयसन नहीं बनेगा, तो फिर जीसन के लिए हम ई का वावल यहां लगा देंगे, ये हो गया पोजीशन। पोसेशन तो दैट वाज वेरी क्लियर, वी रोट लाइक दैट पोसेशन,
लेकिन अगर पोषण सन की बजाय पोजीशन आवाज है, ई की वावल और आवाज आ गई है, तो हमने ओ का वावल लगाया, फिर ई का वावल जहां शन का हुक लगाया है, एन की तरह दिखाई देने वाला सन हुक लगाया, वहीं एक ई का वावल लगा देंगे। ये सह के आगे है, ये सह के आगे आ वावल है, तो ये सी सन नहीं बना, जी सन है। हम इसको वावल लगते ही जी सन पढ़ेंगे, अगर वावल नहीं है तो सेशन पढ़ेंगे, पोसेशन, ये पोजीशन है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। आगे चलते हैं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ये आपका पोजीशन पोसेशन था, पोजीशन है, लेकिन ई का वावल नहीं होता तो पोसेशन होता। ये फिजिशियन है, ये म्यूजिशन है, म्यूजिशन, म्यू देखिए, ये म्यू है, ये म्यूज है, ये म्यूजिशन है, ये म्यूजिशन है। अभी ये जीशन, हाँ, इसके अंदर देखिए एक सर्कल और भी आ जा सकता है, जैसे म्यूजिशन तो एक म्यूजिशियन से बहुत ज्यादा है, प्लूरल है, तो म्यूजिशन तो आपने ऐसे बनाया, जहां ये निकाल करके हुक लगाया उसी के अंदर एक और एक सर्कल जोड़ दीजिए, वे म्यूजिशियन हो गया, ये म्यू हो गया, ये जीशन, ये म्यूजिशंस है। ने म्यूजिशन के बाद में भी एक सह और आया है, फिर हमने ये जो सन बनाया था इसके अंदर एक सर्कल और लगा दिया, म्यूजिशंस, ये प्लूरल हो गया। अब देखिए ट्रांजिशन, सीधे स्टॉक में देखिए, ये तो जीशन था, ये सेशन था, एक्सेशन, सेंसेशन, पोसेशन, एक्सेशन, देखे एक सेशन, खाली सेशन की आवाज है, सेंसेशन पोसेशन सेशन की आवाज है, लेकिन अगर जीशन की आवाज है तो हमको ई लगाना पड़ेगा, ये सह या जय, इसको सह को जय पढ़ेंगे, सीशन नहीं है, जीशन है, तो ई का वावल हमने बाहर लगाया, ये हो गया पोजीशन, फिजिशियन, म्यूजिशियन, ये प्लूरल बन गया म्यूजिशंस, तो हमने जो सन हुक लगाया था उसके अंदर एक सर्कल और जोड़ दिया, ये म्यूजिशियंस हो गए। अब यहां तक बात सीमित नहीं रहती, ये तो पोसेशन है, ये क्या है, पोसेशन है, या पोसेशन ऐसे समझ लीजिए, लेकिन इसमें है ये क्या देखेंगे कि ये तो हुक, ये तो सर्कल है इधर, ये तो खाली पोसेशन है, लेकिन अगर हमने सर्कल को एन की हुक की तरफ दे दिया है तो हम एन भी शामिल समझेंगे, ये पोसेशन नहीं है, ये एन के बाद में सेशन है, एन के बाद में सेशन है, हम एन और पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सर्कल कोई गलती से थोड़ी लगाया है, वी आर राइटिंग विद फुल इंटेंशन कि हमने एन भी, एन आ रहा है, एन सेशन की आवाज आ रही है, तो एन की तरफ सेशन को लगा दो, जैसे ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस, ये है ट्रान, ये ट्रान था और ये इधर घुमाकर ट्रांसेशन बन गया और ये ट्रांजिशन बन गया, ये क्या बन गया, ट्रांजिशन। अगर ई का वावल नहीं लगाते हैं तो सेशन रहेगा, अगर ई का वावल बना दिया तो जीशन हो जाएगा, लेकिन हमने सर्कल इधर घुमाया तो ये ट्रांसेशन है। लेट इट बी ए वर्ड और नॉट, इट इज ए टीचिंग ओनली, ट्रांसेशन कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये सेशन की आवाज है, लेकिन ट्रांसेशन और ये हो गया ट्रांजिशन। तो एन की तरफ सर्कल घुमाते ही एन और पढ़ लेंगे सेशन के अंदर, लेकिन वो सेशन की बजाय जीशन ही बोला जाएगा, ट्रांजिशन। अभी ट्रांजिशन से बात खत्म नहीं हो रही है, एक सर, एक एस की सह की आवाज और आ रही है, ट्रांजिशंस। अब देखिए ये ट्रान है, ट्रांजिशन है, इसके अंदर एक संस की और आवाज आ रही है, तो फिर हमने सर्कल और मिला दिया, ये हो गया हमारा ट्रांजिशंस। आपने, आप, आपको देखा, आप देख रहे हैं कि मैं कहीं वावल पहले लास्ट में लगा देता हूं और पहले बाद में लगाता हूं, बच्चों हम वावल लगाते ही नहीं है अपनी शॉर्ट हैंड के अंदर, और आप भी आगे एडवांस में चले जाएंगे तो वावल सारे ओमिट हो जाएंगे, सिर्फ लाइन से ही चलेगा, लाइन से ऊपर आपने ऊपर लिखा है तो
ट्रांजिशन है, क्योंकि जीशन की आवाज आएगी तो जरूरी है, लेकिन आ की आवाज जरूरी लगाने नहीं है, क्योंकि अबाउ द लाइन लिख दिया तो ए और आ की आवाज आती है, सो दैट इज ऑटोमेटिकली वेव्ड। तो हमें वावल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले को तो ऊपर लाइन के ऊपर लाइन पर और लाइन से काट कर ही समझ जाएंगे इसके अंदर ए या ओ का वावल है, इसमें ई का वावल है। तो पहले वावल को मैं कई बार नहीं लगाता हूँ, क्यों नहीं लगाता हूँ कि मेरी हैबिट ही नहीं है, हम तो सफेद कागज पर लिखने वाले हैं, व्हाइट पेपर भी लिख लेते हैं शॉर्ट हैंड। तो आगे आप ही हम जैसे हो जाओगे और वावल धीरे धीरे सारे हट जाने हैं, कोई इंपॉर्टेंट वावल रहेंगे नहीं, तो आपको वावल दिखाई नहीं देंगे शॉर्ट हैंड के अंदर। इसलिए अभी आपको ट्रेंड किया जा रहा है कि फिलहाल आप लाइन का ध्यान रखें, लाइन से अबाउ लाइन पर लाइन से काट करके ध्यान रखिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर वावल आप हटा भी नहीं पाओगे। तो ये देखा, ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है, प्लूरल हो गया। ये एनसेशन है, तो हमने जैसे डिस्पेंसेशन है, अगर इधर होता तो डिस्पेंसेशन ही होता, ये एनसेशन है, तो हमने सर्कल को एन की तरफ घुमाया, ये पेन है, ये क्या है, पेन है, और अगर हमने ऐसे लगाया है तो ये पेंसेशन है, क्योंकि हमने सर्कल को एन की तरफ ले लिया, तो ये डिस्पेंसेशन है। अभी आप देखेंगे कि ये बीच में भी सनुक आ सकते हैं, जैसे एडिशन है, एडिशन आपने ऐसे लिख दिया, एडिशनल है तो एल को ऊपर थोड़ी लिखोगे, एल नीचे जाएगा, एल की कंडीशन ऊपर भी लिखने की है, नीचे की भी है, तो आप एल को एडिशनल सन को ही बीच में ले लिया, और ये सेशन को भी बीच में ले लोगे, जैसे एडिशनल एडिशनल लिख दिया डाउन, ओकेजनेबल एक्शनेबल, ये है एक्शन।